brought to you by Higher. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. अगर कहीं आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी कम है तो क्या करेंगे? अपने बॉस से कहेंगे कि सैलरी बढ़ा दो। अगर इसके बाद भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है तब क्या करेंगे? या तो आप अगले अप्रेजल का इंतजार करेंगे या फिर दूसरी नौकरी की तलाश करेंगे जहां आपको इससे ज्यादा सैलरी मिले। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक शॉपिंग मॉल के स्टाफ ने सैलरी ना बढ़ने से नाराज होकर ऐसे काम को अंजाम दिया कि मालिक के होश फाकता हो गए। मालिक ने जब उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो उसने मालिक को ही लाखों का चूना लगा दिया। उसने मॉल में रखे लाखों रुपए के सामान को नुकसान पहुंचा दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति मॉल में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। वो अपने हाथों में पहने स्टील के कड़े को निकालकर एक एक करके एलईडी टीवी स्क्रीन पर हमला करने लगता है, जिससे कई सारे टीवी डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद वो रेफ्रिजरेटर सेक्शन पर जाता है और फ्रिज पर भी अपना हाथ साफ करता है। कई सारे फ्रिज पर डेंट पड़ जाता है। उसने ऐसा करके लगभग 11 एलईडी और 71 फ्रिजों को नुकसान पहुंचाया है। ये घटना 2 नवंबर को घटी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल शहर के गंज इलाके का है। यहाँ गुप्ता मॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बड़ी सी दुकान है, जिसमें कमल पवार नाम का एक व्यक्ति काम करता था। कमल सैलरी ना बढ़ने से नाराज था, लिहाजा उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसने बदला लेने के मकसद से मालिक का भारी नुकसान कर दिया। बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले कमल पवार ने मॉल के मैनेजर से सैलरी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन मालिक ने उसकी मांग को अनसुना कर दिया था। इसके बाद उसने गुस्से में आकर 3 दिन की छुट्टी ले ली और फिर घर चला गया। फिर लौटने के बाद अपने मालिक को सबक सिखाने की योजना बनाई और इस काम को अंजाम दिया। अगले दिन जब मॉल के अन्य कर्मचारियों ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाकर देखा तो उन्हें इस नुकसान का पता चला। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये किसी बाहरी व्यक्ति की हरकत है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके बाद पता चला कि ये कारनामा किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि मॉल के कर्मचारी कमल पवार का है। इसके बाद मॉल के मैनेजर संजय गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। संजय का कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा खुद का कर्मचारी इतना बड़ा नुकसान कर देगा। आपको सबसे पहले उनका बयान सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता। ये बताइए भैया, ये जो कर्मचारी ने हरकत की है, ये कौन कर्मचारी है और इसने क्या किया है, पहले तो ये बताइए। ये हमारे यहाँ का रेगुलर कर्मचारी था और ये दीपावली के समय छुट्टी पे गया हुआ था। उसके बाद 2 दिन बाद जब छुट्टी से आया तो अपने जैसे नॉर्मल जो आता है काम करने के लिए ऊपर आया। थर्ड फ्लोर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो आया और ये सब 11 एलईडी और 71 फ्रिज, एलईडी तो टोटल खराब कर दी है और फ्रिज में डेंट कर दिए हैं पूरे, जो कोई काम के नहीं है। वो आया और ये सब करके यहाँ से चला गया। अब जब थोड़ी देर बाद जब लगभग 3, 3:30, 4 बजे को एक नया कस्टमर आया तो हमारे यहाँ एक दूसरे कर्मचारी जो ऊपर आके उसने देखा कि एलईडी एक चालू करी वो भी डैमेज, दूसरी चालू करी वो भी डैमेज। उसके बाद उसने हम लोगों को खबर करी कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। हम लोगों ने फिर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें पता चला कि ये सब हमारा डैमेज करके वो जा चुका है। कितना लॉस हुआ? ये लगभग 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान है। इसमें शिकायत की आपने? शिकायत करी है गंज थाने में। मॉल के मैनेजर की शिकायत पर कमल पवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मामले पर गंज थाना प्रभारी रविकांत देहरिया का कहना है कि मॉल के मैनेजर की शिकायत पर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो गुप्ता मॉल में था उनका यहाँ का जो कर्मचारी था उसके द्वारा जो है वहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी, टीवी और फ्रिज कुछ डैमेज किए गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था गंज थाने में और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसका चालान भी माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। हाँ, सीसीटीवी भी फुटेज है उसके। कमल पवार खुद को मानसिक रोगी बताकर कोर्ट से जमानत पर बाहर है और मॉल मैनेजर टूटे टीवी और डेंट पड़े फ्रिज की कीमत चुकाने की चिंता में है। इन सबके बीच पूरे वाक्य ने यह साबित कर दिया कि गुस्से में लिया कोई भी कदम सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। कहानी चाहे जो भी हो, इसका अंजाम हम सबके लिए एक सीख है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, गुस्से को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। खबर को लिखा है शुभम ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।